हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये फेस्टिवल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी भर दे। सो एज वी ऑल नो, इंडियन फेस्टिवल्स आर ऑल अबाउट स्वीट्स। बिना मीठे के इंडियन फेस्टिवल्स बिल्कुल पूरे नहीं होते हैं। सो क्यों ना इस दिवाली और मिठास भर दी जाए इस त्योहार में। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की पिन्नियां। जनरली हम इनको मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन अपने हाथ की बनाई हुई मिठाई का स्वाद ही अलग होता है। सो डिटेल्ड रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड गाइज, अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी डिले अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो पिन्निया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिनमें मैंने बारीक कटे हुए काजू लिए हैं और साथ ही साथ बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं और कुछ खरबूजे के बीज, जिनको मगज के बीज भी कहते हैं, वो बीज लिए हैं। पिन्नियों में थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है गोंद। ये 100 ग्राम गोंद है और गोंद डालने से पिन्नियों में एक बहुत अच्छा सा सैंडी टेक्सचर आता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी गोंद हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और विंटर सीजन है तो ये बहुत हेल्थी होगी। सो सबसे पहले हम इनको भून लेते हैं। तो भूनने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है और घी के अंदर ही मैंने काजू और बादाम ऐड कर दिए हैं। इनको बारीक होने तक हमें रोस्ट नहीं करना है, बस इतना रोस्ट करना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और ये खाने में थोड़े अच्छे लगे। इसी टाइम पे मैं इसमें मगज के बीज भी ऐड कर रही हूँ। इनको भी हमें तब तक भूनना है जब तक बीज चटक ना जाए, ब्राउन नहीं करना है इनको। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। तो इनको मैंने निकाल लिया है बिल्कुल अलग और अभी उसी पैन में घी ऐड करके मैं गोंद भूनूंगी। गोंद को भूनते हुए लगातार आप चलाते रहें, मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूनें, ताकि अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी। और गोंद का भुनना अंदर तक बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं ऐसा करेंगे तो वो दांतों में खाते हुए चिपकेंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए भून लें और आप देख सकते हैं कि गोंद प्रॉपरली भून चुकी है। तो इसको हम अलग निकाल लेंगे और अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पैन ले लिया है मैंने। अब इस पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी भर के आटा। ये बिल्कुल नॉर्मल आटा है जो हम घर में यूज़ करते हैं। प्रेफर कीजिएगा कि इसको छान के ना लें, जो चोकर सहित होता है वही आटा लें तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। 1 कटोरी आटे के अंदर मैंने 1 कटोरी सेम भर के घी ली है। घी में कंजूसी ना करें, अदरवाइज पिन्नियाँ खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो 1 कटोरी आटे के लिए मैंने उतनी ही सेम कटोरी भर के घी का लिया है और इसको हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक भून लेंगे जब तक कि आटे का कलर थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता। अभी देखने में घी थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आटा भुनेगा वो घी रिलीज करना शुरू करेगा। लेकिन इसको हाई फ्लेम पे ना करें, इसको लगातार हमें चलाते रहना, अदरवाइज आटा जल सकता है, वो प्रॉपरली भुनेगा नहीं। सो थोड़ा सा भुन चुके हैं और आप देख सकते हैं इसने घी काफ़ी रिलीज़ कर दिया है। मैंने 1 चम्मच घी और ऐड किया है, लेकिन आप देख सकते हैं घी पूरा रिलीज़ हो चुका है। आटा जितने भुन रहा है इतने हम गोंद को क्रश कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इतनी अच्छे से भुन चुके हैं कि एक बार हाथ से मैंने तोड़ा तो वो आराम से टूट गई। सो इसको हम क्रश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बारीक क्रश कर लिया है मिक्सी में या फिर ग्राइंडर में और आटा भी हमारा प्रॉपरली भुन चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे, क्योंकि जब तक ये ठंडा होगा घी गर्म है, घी के साथ भी ये धीरे 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 भुनेगा। सो गैस को कर देते हैं बंद और इसको बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। अगर गुनगुना भी रहेगा और हम इसमें बूरा ऐड करेंगे तो पिघल सकती है। सो आटा बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब, और आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे वो ड्राई फ्रूट्स, और साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर गोंद। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इस दिवाली ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन जो है वो एक साथ है, दिवाली उसके बाद भैया दूज, तो अपने हाथ की मिठाई का टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। सो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बूरा या फिर पिसी हुई चीनी। 1 कटोरी आटे के अंदर मैं 2 कटोरी बूरा ऐड कर रही हूँ। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बूरा की कोई गांठें ना रहे
अगर हमें बाद में लगता है कि हमें थोड़ी बूरा और ऐड करनी चाहिए तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज एक कटोरी आटे के लिए 2 कटोरी बूरा बिल्कुल सफिशिएंट है। सो ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है, लेकिन अगर मैं देख रही हूँ तो ये अभी भी इसमें काफ़ी घी है। बूरा डालने का एक ही पर्पज़ होता है ताकि घी एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आधा कटोरी बूरा और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, यानी एक कटोरी आटे के अंदर हमने 2 कटोरी बूरा ऐड किया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसको बहुत अच्छे से हाथों की हेल्प से मसलते हुए हमें मिक्स करना है ताकि बूरा पूरे आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और कहीं पर भी कोई गांठें ना रहें। सो अब ये प्रॉपर मिक्स हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। जितना पोर्शन आप लड्डू का रखना चाहें उतना पोर्शन हाथ में लेके आप लड्डुओं को बाइंड करें और उतने ही साइज़ के लड्डू आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आराम से बन जाएंगे और खाने में ये उतने ही टेस्टी लगते हैं। जनरली हर फेस्टिवल पे हम मार्केट से ख़रीदते हैं इनको, लेकिन अगर घर पे बनाएंगे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनती है और टेस्टी बहुत लगते हैं ये लड्डू। सो बिल्कुल इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। मैंने अपने चैनल पे कोकोनट लड्डू की रेसिपी भी अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लड्डू बनके प्रिपेयर हुए हैं। इस फेस्टिवल इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड वेरी हैप्पी दिवाली टू यू।